गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कैंपियरगंज निवासी बालिका मधुलिका मिश्रा के हृदय के दोनों वाल्व खराब होने की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से ऑपरेशन के लिए जरूरी 9,90,000 रुपए तत्काल किया स्वीकृत। पिता को भेजा पत्र, कहा ऑपरेशन सकुशल होगा संपन्न। मधुलिका शीघ्र स्वस्थ होकर अपनी आगे की पढ़ाई रखेगी जारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 के संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने संबंधित बैठक। सभी सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर बैनर के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। नवागत एसएसपी जोगिंदर कुमार ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गुरु गोरखनाथ के किए दर्शन। मंदिर परिसर का किया निरीक्षण, सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के सचिव समीर वर्मा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीडब्ल्यूडी के निर्माणाधीन राष्ट्रीय मार्गों के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में की चर्चा। कहा सड़क निर्माण में आ रहे अवरोधों को दूर कर निर्माण कार्यों में लाया जाए तेजी। गोरखपुर के समस्त पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ नवागत एसएसपी जोगिंदर कुमार ने की बैठक। कहा हर फरियादी की समस्याओं का समाधान करना पहली प्राथमिकता। थाने पर जनता को नहीं मिला न्याय तो हटेंगे थानेदार। गोरखपुर में बुधवार को कोरोना के 292 मिले नए मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 6,182। कोरोना संक्रमण के कारण बुधवार को 4 मरीजों की हुई मौत। कुल एक्टिव मरीज हुए 2,695। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व कांग्रेसी नेता राम नरेश त्रिपाठी के निधन पर कांग्रेसियों ने प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के शोक पत्र को उनके परिजनों को सौंपा। महानगर अध्यक्ष ने कहा उनके हर सुख दुख में पार्टी रहेगी उनके साथ। स्वास्थ्य केंद्र मोहद्दीपुर तथा आरोग्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर झरना टोला का किया निरीक्षण। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जाँच आदि की ली जानकारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना महामारी में सार्वजनिक स्थलों पर नहीं स्थापित होगी गणेश प्रतिमाएं। मूर्तिकारों में छाई मायूसी, कहा शासन और प्रशासन के निर्देशों का किया जा रहा पालन। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश फोटोग्राफर एसोसिएशन ने दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में मौजूद फोटो जर्नलिस्टों को किया सम्मानित। और महानगर के नो पार्किंग जोन में खड़ी वाहनों को पुलिस ने किया सीज। सीओ कैंट ने कहा नो पार्किंग में खड़ी वाहनों के खिलाफ निरंतर चलता रहेगा अभियान।